हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये हाइड्रोजन चैप्टर का। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में मोस्टली देख चुके हैं सिवाय एक दो चीज़ों के। ठीक है, तो अभी बात करना शुरू करते हैं हम लोग यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमने अभी देखा है पीछे एक हेबर्स प्रोसेस के बारे में, जिसमें नाइट्रोजन जो थी N2 3H2 से कंबाइन करके 2NH3 बनाया था हमने हेबर्स प्रोसेस में। अमोनिया का फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको। तो अमोनिया के फॉर्मेशन में जो है वो डाइहाइड्रोजन जो है वो हेल्पफुल है। अमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि बहुत सारे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने का काम करता है, नाइट्रिक एसिड को बनाने का काम करते हैं HNO3। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये जान लो कि डाइहाइड्रोजन जो है वो अमोनिया का फॉर्मेशन करने में जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, पिछली क्लास लेक्चर में हमने हाइड्रोजिनेशन के बारे में देखा, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन की मदद लेके। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि मिथेनॉल हो गया, जो कि हाइड्रोजन की हेल्प से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग हाइड्रोजन की हेल्प से मेटल हाइड्राइड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग रिएक्शन देख चुके हैं। HCl के बारे में भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग रिएक्शन देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज जो पॉइंट जिस पे मुझे फोकस करना है वो है कि रॉकेट फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन जो है वो एज ए मेजर मेजोरिटी फ्यूल जो है वो यूज हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ये पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर है। दूसरा, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो स्पेस के अंदर होते हैं, रॉकेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है वो वाटर जो कि एज ए बाई प्रोडक्ट यूज हो रहा है उनके ड्रिंकिंग पर्पसेज और बहुत सारे ऐसे रोजमर्रा के काम जो वहां पे वो लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फ्यूल जो है रॉकेट के अंदर हम लोग हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें जानना है कि फ्यूल सेल के बारे में, फ्यूल सेल में भी हम लोग जो है वो हाइड्रोजन को यूज करते हैं और इससे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल का जो डिटेल डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्लास 12th में आप लोग देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लो कि फ्यूल सेल एक सेल है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं, किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन की हेल्प से। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं वो एज ए फेवरेबल फ्यूल क्यों है? क्योंकि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है पर केजी हाइड्रोजन को बर्न करने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो गैसोलीन से, पेट्रोल से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो एक बहुत ही फेवरेबल जो है वो फ्यूल है। उसके बाद इसका कोई भी पॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर से नहीं होता। ठीक है, तो ये थे मेजर हाइड्रोजन के यूजेज। इसमें जो एक मेन पॉइंट मैंने इधर साइड पर लिखा हुआ है वो है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। इसमें देखो, जो फ्लेम इस टॉर्च को बर्न करने से रिलीज होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है? 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। ये टेम्परेचर सफिशियंट है मेटल्स को जो है वो मेल्ट करने के लिए। मान लो हम लोग दो मेटल्स को वेल्डिंग करके जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च को हम लोग ये जॉइंट्स के बीच में डालेंगे तो इस साइड का मेटल और इस साइड दोनों मेटल्स जो है वो मेल्ट होके आपस में जो है वो चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये यूजुअली कटिंग पर्पसेस के लिए, अगर मेरे को मेटल्स को कट करना हो, वेल्ड करना हो, मेल्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसका मेजोरिटी रीजन या कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है इस पर्टिकुलर टॉर्च से, 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है हम लोग इस टॉर्च से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको हाइड्रोजन का ये जो यूजेस हैं वो समझ में आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो हाइड्राइड्स के बारे में जानेंगे, वो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप मेरे वीडियोस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, दब के लाइक कीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन के नोट्स बनाते रहिए, मैं रोज रोज बोल रहा हूँ आपको, और रोज रिविजन कीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।